पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा आप करें क्या। तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया, तो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटालों। वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था, चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण यह भी है, आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है, लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे, ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है। प्लीज बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई, पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए, कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तानकर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था, उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब LOC LAC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है, पूरे विश्व के लिए